वासुदेवा नमो भगवते भगवते वासुदेवा नमो भगवते वासुदेवा भगवते वासुदेवा नमो नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारये निर्विशेषा सुन्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाद् कल्पतरु कृपा सिंधु पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भाषादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वंशात कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभि एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण आप सभी वैष्णव भक्तों का हम स्वागत करते हैं इस्कॉन वराचा मंदिर की ओर से 84 कोश ब्रजमंडल यात्रा में। और हम जिस स्थान पर उपस्थित हैं स्थान बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। हालांकि ब्रज में सभी ही स्थल सुंदर ही हैं पर फिर भी इस सुंदरता में और सुंदर स्थल हैं ये, जिस स्थल का नाम है आदि बद्री। जैसे हम बद्रीनाथ चार धाम यात्रा करते हैं और चार धाम यात्रा के अंतर्गत हम देखते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, और यहाँ पर भी हम यहीं चार धाम का दर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम इस चारों धाम का दर्शन करने वाले हैं। अभी जो हम यहाँ पर उपस्थित है वर्तमान में वो स्थल हैं आदि बद्री अर्थात बद्रीनाथ। यहाँ पर खूब सुंदर नर नारायण जी विराजमान हैं। यहाँ पर तप्त कुंड भी उपस्थित है। यहाँ पर राम झूला लक्ष्मण झूला गंधमादन पर्वत सब जो जो मुख्य हम चार धाम में देखते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं उसी चार धाम के अंतर्गत इस सब चीज का भी हम यहाँ पर दर्शन करने वाले हैं। तो अति हमारा सौभाग्य है क्योंकि हम यहाँ पर भगवान की इस कथा को सुनने वाले हैं और जिस कथा को सुनकर वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए और भगवान की लीला का दर्शन हो जाए। तो जिस प्रकार से हम प्रायः जाते हैं गर्मी के सीजन में हम माता पिता के साथ जाते हैं और माता पिता को भेजते कि चलो हम आपको चार धाम की यात्रा करवाए, परंतु भगवान की कृपा से ब्रज में ये चारों धाम विराजमान है। और हमने आपको पहले से भी कहा है कि वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहां पर सर्व तीर्थ सर्व धाम विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को इस ब्रज वृंदावन धाम में उपस्थित किया है क्योंकि सब भगवान के ही सेवक हैं, सब भगवान के ही आदेश हैं और भगवान की कृपा से ही सब विद्यमान है। और
को श्रवण करते हुए हम श्रवण करते हैं कि वास्तव में इस स्थान में स्वयं बद्रीनाथ जी अर्थात नर नारायण विराजमान है। तो प्रश्न हुआ कि भाई हम तो उत्तराचल में उत्तराखंड में जाते हैं, वहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, तो यहाँ कैसे हो गई? एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया और सब ब्रजवासियों ने निश्चित किया कि हमें चार धाम की यात्रा करनी है, चारों धाम की यात्रा करनी है। हम सब मिलकर चार धाम की यात्रा कर गए, सब ब्रजवासियों ने मिलकर चार धाम की यात्रा करने का निश्चय किया। तब भगवान ने सोचा कि मैं अपने धाम को छोड़कर यहाँ पर आया हूँ इन सभी ब्रजवासियों से प्रेम करने के लिए, यहाँ पर रस का आस्वादन करने के लिए आया हूँ, पर ये सब ब्रजवासी मुझे छोड़कर धाम में जाने की सोच रहे हैं। इस संदर्भ में भगवान ने सोचा कि इस ब्रजवासियों का विरह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, अर्थात ब्रजवासियों को नंद बाबा यशोदा सबको मैं अपने से दूर नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने सोचा कि क्यों ना यहां पर ही चारों धाम का निर्माण किया जाए। और भगवान से आदेश से, हम सब जानते हैं भगवान के आदेश से ही इंद्रदेव बारिश करता है, भगवान के आदेश से ही वायुदेव पवन भेजते हैं, भगवान के आदेश से ही पृथ्वी अनाज अन्न उत्पन्न करते हैं, भगवान के आदेश से ही अग्नि प्रकट होती है, और भगवान के आदेश से स्वयं भय भी भयभीत होता है। ये भगवान की शक्ति है, क्योंकि भगवान ही सर्वेश्वर हैं, भगवान ही सर्वसमर्थ है। अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्व प्रवर्तते मत परतर न अन्यत कस्तित अस्ति धनंजय, जन्म आदि यस्य अन्वयाति तरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति यत सूरय। ये सब चीज जन्म इस संसार का पालन संहार और उत्पत्ति के कारण स्वयं भगवान कृष्ण ही है। और भगवान ने सोचा कि मैं अपने ब्रजवासियों से दूर नहीं कर सकता, तो भगवान के आदेश से चारों धाम बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री मात्र भगवान के आदेश से यहाँ पर विराजमान हो गए। यही हमारा अति सौभाग्य है कि जिस यात्रा को करने के लिए हम कितना दूर जाते हैं, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, पर वो मात्र भगवान की इच्छा मात्र से यहाँ पर चारों धाम विराजमान हो गए और हम इस ब्रज में इस चारों धाम की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हम अभी आपने बद्रीनारायण बद्रीनाथ जी का दर्शन किया या करेंगे, तो खूब सुंदर रूप से हम जानते हैं कि बद्रीनाथ क्या है। बद्रीनाथ की कथा के विषय में हम जानते हैं कि स्वर्ग और धरती में अनेक बहुत तीर्थ हैं इस संसार में, स्वर्ग की भी तुलना की है, परंतु इन सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ ऐसा स्थान है जो स्वर्ग से भी सर्वश्रेष्ठ है। और बद्रीनाथ में स्वयं साक्षात अलकनंदा गंगा के रूप में निकलती है। एक दिन नारद ने भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ में गए और भगवान विराजमान होते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां पर किसी भी प्रकार का कुंठ न हो। कुंठ अर्थात दुख, यह संसार कुंठ जगत है और भगवान जहां पर विराजमान है उनको वैकुंठ कहते हैं। वहां पर लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान अपने अलग अलग रूप में चतुर्भुज रूप में वहां पर विराजमान होते हैं। अपने प्रेमी भक्तों के भाव के अनुसार भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। जैसी रही भावना प्रभु मूर्त तैसी दे, जैसी भक्त की भावना होती है भगवान उसी प्रकार से अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो जो वैकुंठ है, वैकुंठ में भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अलग अलग रूप में विद्यमान रहते हैं। इसी वैकुंठ में एक बार स्वयं नारद जी, नारद मुनि बजाए वीणा श्री राधिका रमण नामे, भगवान के परम प्रिय भक्त और भगवान के अवतार भी कहा गया है यही नारद जी, एक बार वैकुंठ में गए और क्षीर सागर में शेष शैया पर भगवान विष्णु विराजमान करते
रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण कमल को दबा रही थी। और इसमें जैसे ही नारद जी ने भगवान विष्णु को शेषय्या पर लेटे देखा और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाते हुए देखा, तो नारद जी ने सोचा कि प्रभु आप इस संसारिक व्यक्ति के जैसे कार्य कर रहे हो। देखो नारद जी की बात में दम होता है और नारद का अर्थ यही होता है जिनकी बात कभी रद्द न हो वो है नारद। तो नारद जी ने कहा कि आप इस प्रकार से सो रहे हो, आराम से सो रहे हो, इसमें तो संसार दिख रहा है, संसारिकता दिखती है, और आपको ऐसे सोते देखकर संसार के लोग भी देखेंगे, देखो भगवान सो रहे तो हम भी सोए ना, तो वो भी सो जाएंगे, आलसी बन जाएंगे। इसलिए आलसी न बने, इसलिए नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु आप ऐसे सो रहे हो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें संसारिकता दिखती है, और आप सोना, आपका सोना इस संसार का, संसार के लोगों का आदर्श बन जाएगा, इसलिए कृपा करके आप कुछ ऐसा कीजिए जिनके कारण इस संसार के लोगों आपके आचरण के द्वारा कुछ आदर्श को प्राप्त कर सके। तो जैसे ही नारद जी ने बात को कहा तो इस बात पर विष्णु भगवान का प्रभाव बहुत बड़ा, भगवान ने सीरियस ले ली बात, गंभीरता पूर्वक नारद जी की बात को स्वीकार कर लिया भगवान ने। और भगवान ने सोचा कि सही बात है कि अगर मैं ऐसे सोता रहूंगा तो दुनिया के लोग मेरा अनुकरण करेंगे, इसलिए भगवान ने इस बात को सोचा और सोचकर कहा कि मैं भी इस संसार के लोगों को कुछ आदर्श प्रस्तुत करे ऐसा कार्य करता हूं। और तब भगवान ने अपनी पत्नी धारिया लक्ष्मी जी को नागलोक में भेज दिया और सब कुछ त्याग कर, भगवान विष्णु सब कुछ त्याग कर हिमालय के पर्वत पर तप करने के लिए बैठ गए। और जहां पर भगवान विष्णु ने सब कुछ छोड़कर और लक्ष्मी जी को त्याग कर जिस स्थान पर तपस्या करने के लिए बैठे, उस स्थान का नाम था बद्रीनाथ। और इसी बद्रीनाथ में हम यहाँ पर विराजमान हैं, इसी बद्रीनाथ का हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर स्वयं नर नारायण की भी तपस भूमि है और इसी क्षेत्र को बद्री क्षेत्र भी कहा गया है। और कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में वहाँ वास्तव में शिव जी रहते थे। और आज जहाँ पर बद्री धाम है वहाँ पर एक सुंदर तप्त कुंड है और यहाँ भी आपको दर्शन करेंगे कि यहाँ पर अद्भुत एक तप्त कुंड है। और इस बद्री धाम में, इस आदि बद्री में जो तप्त कुंड है उनके पास सुंदर भगवान शिव जी भी विराजमान होते हैं और वो भी भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और सुंदर वर्तमान समय में जहाँ पर आदि बद्रीनाथ है उनके बाजू में ही भगवान शिव विराजमान है और उनका नाम केदारेश्वर महादेव के रूप में है। अब शिव जी जब भगवान स्वयं विष्णु इस क्षेत्र पर आ गए, बद्री क्षेत्र में, बद्रीनाथ में आ गए, तो भगवान शिव इस स्थान को छोड़कर केदारधाम, अलग केदारनाथ में चले गए। केदार धाम में वो अपना निवास स्थान प्राप्त कर लिया और भगवान जहां तप करने का निर्णय किया कि मैं यहां पर तप करूंगा, और इसी स्थान पर भगवान ने तपस्या की थी। और तपस्या के कारण जब भगवान यहां पर तपस्या करे, क्यों? क्योंकि भागवत में हम सुनते हैं कि स्वयं भगवान अपने पुत्र को उपदेश देते हैं कि नायम देहो देहबाजाम नृलोके कष्टान कामान अहर्ते विडभुंजायते तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्तम तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। स्वयं भगवान अपने पुत्र को उपदेश देते कहते हैं कि संसार में मनुष्य को दिव्य तप करना चाहिए। तो संसार के व्यक्ति तप करेंगे जब स्वयं भगवान उनको सिखाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर आकर तपस्या शुरू कर दी, अपने धाम को छोड़कर इस बद्री क्षेत्र में आकर भगवान ने तपस्या की। और भगवान ने लक्ष्मी जी को नागलोक में छोड़ दिया था और थोड़े समय के बाद फिर वापस लक्ष्मी जी आई तो उन्हें देखा कि यहाँ पर भगवान नहीं है। देखिए एक क्षेत्र का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, बद्रीनाथ क्यों कहते हैं, बद्री क्षेत्र क्यों कहते हैं? बद्री का अर्थ होता है बेर। तो
जैसे ही लक्ष्मी जी आई तो भगवान वहां पर अप्रकट थे, वहां पर भगवान नहीं थे। क्यों? क्योंकि भगवान इस स्थान पर आकर तपस्या करते थे। तो तब प्रथम भगवान के चरण स्पर्श जहां पर शिला पर किया, वो शिला आज भी उपस्थित है। भगवान ने जहां पर अपना प्रथम चरण रखा वो आज भी उपस्थित है। और यहाँ पर अनेक अनेक ऋषि खूब प्रेम और भाव से भगवान की इस लीला भूमि को देखते हैं और भगवान के इस सभी कार्य को अच्छी तरह से श्रवण करके अपने जीवन में इनको उतारने का प्रयास करते हैं। और फिर यहाँ पर भगवान ने खूब सुंदर रूप से तपस्या की और तपस्या के फल जब लक्ष्मी जी ने देखा कि यहाँ पर स्वयं भगवान मेरे आराध्य देव प्रभु तो उपस्थित नहीं है तो कहाँ गए होंगे, ये चिंतित हो गए। और चिंता के कारण अब लक्ष्मी जी ने देखा और तुरंत लक्ष्मी जी नारद जी के पास गए और नारद जी के पास जाकर कहा कि मेरे प्रभु कहाँ है, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे प्रभु कहाँ पर चले गए और इनका उत्तर मात्र है नारद आप ही बता सकते हो। तब नारद ने बहुत पूछने पर बहुत प्रयास किया कि कहाँ है मेरे प्रभु कहाँ है, पर नारद जी ने नहीं बताया। और अंत में नारद जी उनको बताते थे कि हाँ, आपके आराध्य देव आपके प्रभु उत्तरांचल क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में बद्री नाम के क्षेत्र हैं, हिमालय के क्षेत्र हैं, वहां पर जाकर तपस्या कर रहे हैं। और वहां जैसे गए, जैसे ही लक्ष्मी जी वहां पर गई तो तुरंत क्या हुआ, जैसे ही लक्ष्मी जी वहां पर गई तो भगवान कृष्ण ऐसे ही खुले आकाश के नीचे तपस्या कर रहे थे। और इस चीज को जब लक्ष्मी जी ने देखा तो लक्ष्मी जी सहन नहीं कर पाई और सहन न करने के कारण लक्ष्मी जी ने क्या किया, लक्ष्मी जी ने एक बेर के रूप में, एक बेर का रूप धारण किया और इस बेर के रूप में भगवान कृष्ण जहां तपस्या कर रहे थे उसी स्थल पर, उसी स्थान पर बेर के रूप में अपना रूप धारण किया। और जब ऐसा रूप धारण किया तो खूब सुंदर वर्णन आता है कि फिर क्या करे, भगवान ने अपने पति की भजन में कोई बाधा ना हो, तपस्या में कोई बाधा ना हो, इसलिए गंगा, इसलिए यहां पर प्रकट होकर क्या किया, लक्ष्मी जी ने एक अद्भुत रूप धारण किया। और इस रूप के कारण, बेर का रूप धारण किया और जब भगवान की आंख खुली तब उन्होंने देखा कि ओ हो लक्ष्मी जी मेरी पत्नी, लक्ष्मी जी ने बेर के रूप में रहकर मेरी रक्षा की, मेरी तपस्या के फल पर, मेरी तपस्या करने में कोई बाधा न होए इसलिए मेरी रक्षा की, इसलिए आज से इस क्षेत्र का नाम है लक्ष्मी जी आपके साथ ही लिया जाएगा, क्योंकि आपने बेर के रूप में मुझे छाया देकर तपस्या में कोई विघ्न ना आए ऐसा कार्य किया है, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम आज से बद्री क्षेत्र भी कहा जाएगा। इसी बद्री क्षेत्र में यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं भगवान की लीलाओं को और यह स्थान का बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान ने तपस्या की है, ये तपोभूमि है। और भगवान संसार में हम सबको दिखाते हैं कि वास्तव में तपस्या कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें यहाँ पर भगवान का भजन करना चाहिए और सुंदर रूप से विधि विधान के द्वारा यहाँ पर बद्री क्षेत्र में स्वयं विराजमान है भगवान। और यहाँ पर भगवान ने तपस्या भी की थी और तपस्या के फल हेतु यहाँ पर कहा जाता है कि इस स्थान पर अनेक ऋषि मुनिगण, अनेक संत यहाँ आते हैं और जो दर्शन हम करते हैं चारों धाम में, यही बद्रीनाथ का यहाँ पर धाम है, जो वेदव्यास महाराज की गुफा, जो अन्य अन्य जो भी स्थान है जिनको हम देखते हैं, जिनको हम स्मरण करते हैं, ये सब यहाँ पर विद्यमान है।
और तीन युग के बाद यहाँ पर बताया गया है कि अद्भुत भगवान के स्वरूप को स्वरूप का यहाँ पर वर्णन है। और कहते हैं कि तीन युग के बाद ऋषि मुनि ने दर्शन यहाँ पर दुर्लभ था और सभी मुनि क्षीर सागर पर ब्रह्मा जी के पास गए। बस कलयुग का प्रारंभ होने वाला था और मनुष्य भक्ति भाव से विमुख हो रहा था, अधर्म बढ़ने वाला था और ऐसी स्थिति में साक्षात रूप में नहीं रह पाऊंगा। और तब बद्री क्षेत्र में नारद शिला के पास नीचे अलकनंदा की एक दिव्य मूर्ति विग्रह प्राप्त हुआ, जिनको निकालकर मंदिर में स्थापित किया गया। और जिस मूर्ति का दर्शन करने से साक्षात सब मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और कालांतर के अंतर्गत यहाँ पर 1200 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के एक कालंडी गांव के ब्राह्मण ने घर में शिव जी का अंश प्रकट हुआ, जिनका नाम था शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने 12 ही सालों में शास्त्रों का अध्ययन करके अनेक शिष्य बनाए और भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जो भगवान के एक अवतार ने भगवान को निराकार कह के शास्त्र को त्याग दिया था, उसी शास्त्र को श्रीपाद शंकराचार्य ने वापिस चारों दिशा में से वापिस लाने का प्रयास किया और सभी को एक सूत्र में, भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसलिए शंकराचार्य के चार मठ की स्थापना भी की है। और 12 वर्ष की आयु में यहाँ पर बहुत सुंदर 12 वर्ष की आयु में शिष्यों के साथ वो उत्तराखंड पधारे और 3 महीने की यात्रा में वो बद्री क्षेत्र पहुँचे, बद्रीनाथ पहुँचे। और शिष्यों के साथ ये तप्त कुंड में स्नान कर रहे थे और बद्रीनाथ की पूजा में गए, तब ये मूर्ति थी परंतु शालिग्राम के रूप में थी। शालिग्राम के रूप में उनकी सेवा होती थी। शंकराचार्य जी उदास हो गए और पुजारी को पूछा कि बद्री विशाल की मूर्ति कहाँ पर है, बद्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर है। पुजारी ने कहा कि हमारे पूर्वज दस्यु, जो चीनी हैं वो अत्याचार के कारण मूर्ति को नजदीक कहीं कुंड में समावेश कर दिया और उनको बहुत निकालने का प्रयास किया है, उनको खोजने का प्रयास किया है पर वो नहीं मिली। तब शालिग्राम की हम सेवा कर रहे हैं, शंकराचार्य ने ध्यान मग्न होकर उनको मालूम पड़ा कि ये जो मूर्ति है वो स्वयं नारद कुंड में है और इसी नारद कुंड में गए और इस नारद कुंड में से पुनः इस विग्रह को, भगवान बद्रीनाथ बद्री विशाल के विग्रह को पुनः बाहर काढ़ा नारद कुंड में से और इस प्रकार शालिग्राम की जगह पर वर्तमान समय जहां पर बद्रीनाथ है वहां पर बद्री विशाल की सेवा हो रही थी। और शंकराचार्य के नारद कुंड में डुबकी मारी और भगवान विष्णु मूर्ति को बाहर निकाला, परंतु उनका जो राइट हैंड था, जमणो हाथ, वो खंडित हो गया था और अलकनंदा में विसर्जित करी। और दूसरी बार नारद कुंड में जब डुबकी लगाई तो पुनः वो मूर्ति को प्राप्त हो गई, वापिस वो मूर्ति प्राप्त हो गई। और इस प्रकार से अनेक प्रयास करने के बाद पुनः स्वयं भगवान प्रकट हो गए और भगवान पर वहां पर विराजमान है। और वहां पर आकाशवाणी हुई क्या कि कलयुग में ये भग्न विग्रह मनुष्य के द्वारा इनकी पूजा होगी, भगवान इस बद्री नारायण बद्री विशाल की जो पूजा है वो मनुष्य के द्वारा होगी। और इस प्रकार से यहाँ पर बद्रीनाथ जी यहाँ पर विराजमान हैं और उनका हम दर्शन कर रहे हैं। और अति सौभाग्य है कि हमें घर में बैठकर भी ऐसे पावन पवित्र स्थानों का दर्शन करने मिल रहा है और यही तप्त कुंड है जिनका हम दर्शन करेंगे। तो आइए हम इस यात्रा को पुनः आगे बढ़ाते हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर चलते हैं। अच्छी तरह से गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करते हैं, घर बैठे आपको लाइव गंगोत्री यमुनोत्री, और जिनकी स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण ने की है और नंद बाबा यशोदा के साथ वो यहाँ पर 2 महीने तक
वो यहाँ पर विराजमान हुए और यहाँ पर भगवान का दर्शन किए और हर्ष उल्लासित के साथ भगवान की जो इच्छा थी कि मैं ब्रजवासियों से दूर न रहूं, नंद और यशोदा से दूर न रहूं, इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने यहाँ पर चारों धाम को यहाँ पर प्रकट किया। बोलो चारों धाम की। देखो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने चार धाम कराए नंदा बाबा यशोदा मैया को। उन्होंने मनोती मानी भगवान से, हे भगवान हमारे आप जैसी संतान प्राप्त हो जाए तो हम चार धाम की यात्रा करें। तो भगवान ने जन्म लिया, भगवान 5 साल के हुए तो नंदा बाबा यशोदा मैया परिक्रमा की तैयारी करने लगी। तो भगवान बोले, हे मैया कहाँ की तैयारी कर रही हो आप? तो नंदा बाबा यशोदा मैया बोले, हे लाला हमने आपके बारे में चार धाम की यात्रा बोली। तो भगवान बोले, हे मैया वो तो उत्तराखंड बहुत दूर है, 750 कोस है, आप पे चला नहीं जाएगा, बूढ़े हैं, तो मैं ब्रिज में ही दर्शन करा दूंगा। तो नंदा बाबा यशोदा मैया बोले, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है जो हमको ब्रिज में ही दर्शन हो रहे हैं। तो वहाँ से नंदवासी नंदगाम से नंद बाबा यशोदा मैया नंदवासी भगवान श्री कृष्ण इस ब्रिज में इस जगह पर ले आए। तो बद्रीनारायण के मंदिर के आगे किमली का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे नंद बाबा यशोदा मैया। तो भगवान बोले, हे मैया आप ये आँख बंद कर लो, चार धामों के दर्शन यहीं करा देते। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने आँख बंद करी, भगवान श्री कृष्ण ने इस एक शिला गंगा मैया के मंदिर में उसी शिला पर खड़े हुए और आह्वान किया चार धामों को। तो भगवान बद्रीनारायण भगवान ने दर्शन दिए, नर भगवान ने दर्शन दिए, रामेश्वर भगवान ने दर्शन दिए, उद्धव जी महाराज ने दर्शन दिए, वहाँ के दर्शन करा के भगवान इस लक्ष्मण झूला पर ले आए। इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला है, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, गंगोत्री जमुनोत्री अलकनंदा नर नारायण पर्वत देव सरोवर गणेश पर्वत पिगलीवानी चंद्रवन मालतीवन, तो 1.25 लाख पर्वत रूप देवताओं के दर्शन कराए हैं, पर्वत रूप में दर्शन तपस्या कर रहे हैं 33 करोड़ देवता यहाँ। चौथा धाम केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए नंद बाबा यशोदा मैया को। तो यहाँ तपो में 14 कोस की एरिया में करे हैं साधु संत महात्मा, प्राचीन जगह से बहुत दिनों से भजन करते आए हैं यहाँ, और भगवान नारायण भगवान तपस्या करें, नर भगवान तपस्या करें। देखो एक प्रबल नाम के राक्षस हुए, ब्रह्मा जी के वरदान से उसने 60,000 वर्ष तपस्या की, तो ब्रह्मा जी के वरदान से 1,000 कवच और कुंडल प्राप्त किए उसने। तो ब्रज में अत्याचार उठाने लगे वो राक्षस, तो साधु संत ब्रजवासी नारायण भगवान के पास में पहुँचे। तो नारायण भगवान बोले, आओ साधु संत ब्रजवासी कैसे आए आप? तो साधु संत ब्रजवासी बोले, हे नारायण भगवान हमारे ब्रज में एक ऐसा राक्षस प्रकट हो गया, हमको भजन नहीं करने देता, रात दिन सताने लगा। तो वहाँ से नर नारायण भगवान आए, लक्ष्मी जी आए, तो नारायण भगवान तपस्या पर बैठ गए, नर भगवान उस राक्षस से युद्ध करने लगे। लक्ष्मी जी डायरेक्ट तपस्या करते हुए पर सेवा में नहीं आएगी, तो लक्ष्मी जी ने बेरिया का पेड़ का रूप धारण किया जब नारायण भगवान की छाया की, तो धीरे धीरे 999 कवच तोड़ दिए उस राक्षस के नर भगवान ने। जब राक्षस को मालूम पड़ गया तो यहाँ नर नारायण भगवान प्रकट हो गए, तेरे को यहाँ छोड़ेंगे नहीं, तो ब्रज छोड़ के भाग चल। तो ब्रज छोड़ के भगवान वो राक्षस सूर्यनारायण भगवान में जा छुपे, सूर्यनारायण भगवान ने उनकी मुक्ति कर दी। दूसरे युग में करण हुए थे, कवच और कुंडल साथ में आए थे, वही राक्षस थे। तो यहाँ तपोभूमि है, बहुत यहाँ 5,000 वर्ष है इस जगह को। तो नंद बाबा यशोदा मैया को चार धाम कराए यहाँ, गंगोत्री जमुनोत्री अलकनंदा नर नारायण पर्वत देव सरोवर गणेश पर्वत पिगलीवानी चंदनवन, तो यहाँ चार धामों के दर्शन नंद बाबा यशोदा मैया को भगवान ने कराए। जय जय श्री राधे। सरजू दास लक्ष्मण झूला। हरे कृष्णा। इस्कॉन बराचा मंदिर के द्वारा आयोजित 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान है गंगोत्री यमुनोत्री अलकनंदा, पावन पवित्र भूमि और स्थान यहाँ पर है। यहाँ पर साक्षात लक्ष्मण जी का भी मंदिर है, और हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान पर भगवान कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा और ब्रजवासियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पर चारों धाम को प्रकट किया था। जो हमने सुना, नीचे हमने बद्रीनाथ का दर्शन किया, यहाँ पर हम गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करते हैं। हम सब जानते हैं कि गंगा जी का प्रागट्य किस प्रकार से हुआ। सगर के 60,000 पुत्रों ने, जब सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया,
तो इस अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिए, पूर्ण करने के लिए अश्व की आवश्यकता होती है। परंतु देवराज इंद्र ने इस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया और तब सगर महाराज का यज्ञ अपूर्ण हुआ और पूर्ण करने के लिए सगर ने अपने पुत्र को कहा कि जाओ और जाकर आप अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण करने हेतु वो अश्व को, घोड़े को लेकर आओ। और तब सगर के 60,000 पुत्र दौड़े उनको लेने के लिए गए और तब हर जगह पर ढूंढा, पाताल तक चले गए वो और एकदम अंदर गहरा खड्डा कर दिया और जिस गड्ढे से जो हुआ, जो गड्ढे से एक बड़ा सागर का निर्माण हुआ, इसलिए सगर के द्वारा जो बना है उनको सागर कहा जाता है। और तब ढूंढते ढूंढते सगर के 60,000 पुत्र आए और वो कहाँ पर आए, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। और कपिल मुनि का आश्रम में आकर वहाँ पर अश्व को देखा कि बांधा हुआ था, छिपा दिया था। तब कपिल मुनि को बहुत न कहने के शब्द के अपशब्द कहे। तब कपिल मुनि ने अपने आँख को खोला और आँख खोलते ही सब 60,000 सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए और ऐसे भस्म होने के कारण उनको मुक्ति नहीं, और उनको मुक्त कराने के लिए यही सगर के पुत्र था असमंजस, उनके पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, और भगीरथ जी ने अपने ही 60,000 भाइयों को, पूर्वजों को उद्धार करने के लिए गंगा को प्रागट करवाया। और यही गंगा है जो आप देख रहे हो, यही गंगा इस स्थान पर गंगा है जहाँ पर हम सब जानते हैं कि इसी गंगा को प्रकट करके सगर के 60,000 पुत्रों को भगीरथ जी ने मुक्त करवाया, अपने पितरों का उद्धार करवाया। ये गंगा है। और आप जो निकट देख रहे हो वो यमुना है, यमुना महारानी, यमुनोत्री, यमुनोत्री धाम जो यहाँ पर विराजमान है, स्वयं भगवान की अष्ट पटराणी में से एक पटराणी यमुना जी है। तो इस यमुना जी को आप देख रहे हो। और इस साइड आप जो देख रहे हो वो है अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी है जो गंगा के स्वरूप है और अद्भुत ये तीनों नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर नंद बाबा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर लाए थे। और आप ऊपर थोड़ा देखोगे तो आपको दिखेगा एक गणेश जी का मुख दिखेगा, सेम गणेश जी। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणान समय सगणाधिराज विज्ञान विहन तुम नमस्य जगत यश गोविंद मादि पुरुषम तमम जामी। इन पर्वत को गणेश पर्वत कहा जाता है और यहाँ पर गणेश जी के आकार का ये पर्वत है। और ऐसा कहा जाता है कि आप जो इनको देख रहे हो, ये लाइन को, व्हाइट कलर की लाइन को देख रहे हो, ये साक्षात लक्ष्मण जी के द्वारा बनाई हुई लक्ष्मण रेखा है। इस रेखा को जब मारीच के रूप में हिरण आया, मृग मारीच के रूप में हिरण आया और मारीच ने भेजा था, रावण ने भेजा था और सीता जी का हरण करने के लिए, उनको आकर्षित प्रभावित करने के लिए भेजा था, तब सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र को कहा कि ये मारीच मुझे चाहिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र दौड़े उनको लेने के लिए और लक्ष्मण जी को कहा कि आप उनको ध्यान रखना, अपनी भाभी माँ का ध्यान रखना। और प्रभु श्री रामचंद्र चले गए उस हिरण के पीछे और उसी समय इस मारीच जो मायावी था वो प्रभु श्री रामचंद्र की आवाज में बोला, ए लखन, ए लक्ष्मण। और आवाज सुनकर ही सीता मैया को डर हुआ कि कुछ हुआ नहीं ना हमारे पति देव को, है लक्ष्मण जाओ आप जल्दी, आपके बड़े भैया संकट में हैं। और तब लक्ष्मण जी गए, पर लक्ष्मण जी ने सोचा कि निशाचर है, यहाँ पर अनेक राक्षस होते हैं। तब लक्ष्मण जी ने वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा बनाई और ऐसा कहा जाता है यही है लक्ष्मण रेखा जो यहाँ से शुरू होती है। और इसी लक्ष्मण रेखा के माध्यम से लक्ष्मण जी ने एक सीता जी को बाउंड्री में बांधा कि इनका कोई हरण न कर पाए। इसलिए अद्भुत स्थान है यहाँ पर, यहाँ पर रामलीला भी मिलती है और चार धामों का दर्शन मिलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर सब धाम, सब कुछ विद्यमान होते, तीर्थ धाम सब कुछ उपस्थित होता है। यदि सौभाग्य है कि हम सबको ये सुंदर दर्शन करने के लिए मिल रहा है, हालांकि हमारी भौतिक दृष्टि से हमें पत्थर दिखेगा परंतु वास्तव में पत्थर नहीं है। इसलिए हमें धाम का दर्शन आँखों से, हमारी आँखों से नहीं करना चाहिए, संतों और आचार्यों की आँखों से करना चाहिए, तो ही हम यहाँ पर सब देख पाएंगे, वरना हमें हमारी तरह ये पत्थर ही दिखेंगे। इसलिए हम आप सबको निवेदन करते हैं धाम की यात्रा खूब अच्छी तरह से की जाए। और एक सुंदर यहाँ पर आप जो देख रहे हो दो पर्वत की
धारा है, एक ये धारा, जहां ये धारा जो आपको दिख रही है यहां पर, वो है नारायण, नारायण पर्वत, और यहां पर जो आपको धारा दिख रही है वो नर पर्वत है, नर अर्थात अर्जुन, और ये नारायण अर्थात भगवान कृष्ण, कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण ने यहां पर तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि नर और नारायण क्यों प्रकट हुए थे, एक सहस्त्र क्वची एक असुर था जिनके 1000 कवच थे, और ऐसा कहा जाता है कि एक कवच को कोई व्यक्ति तोड़ता है तो तुरंत ही वो मृत मूर्छित हो जाता है, और जो एक कवच को तोड़ता है व्यक्ति मृत समान हो जाता है। तो भगवान नर और नारायण ने दोनों ने तपस्या की। सबसे पहले प्रभु श्री भगवान कृष्ण ने इस एक कवच को तोड़ दिया और फिर तपस्या करने के लिए बैठ गए, और फिर नर अर्थात अर्जुन ने युद्ध किया, बहुत युद्ध किया, और फिर दूसरा कवच अर्जुन ने तोड़ा। ऐसे 1, 2, 4, 5 करके 999 कवच इस असुर के तोड़ दिए। अभी एक कवच बचा था, और इस कवच को तोड़ने के लिए स्वयं जब अर्जुन जा रहे थे, क्योंकि अब अर्जुन की बारी थी, अर्जुन जा रहे थे उसी समय इस असुर को मालूम हो गया कि निश्चित अब मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो असुर यहां से भागकर सूर्य में समाविष्ट हो गया, सूर्य लोक के अंदर, सूर्य देव के अंदर प्रविष्ट हो गया। और फिर यही सूर्य के अंदर जो एक असुर चला गया था, जिनका एक कवच बचा था, और वही जब कुंती महारानी ने देवता का आह्वान किया और दुर्वासा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप जिस देवता का आह्वान करोगे उसी का अंश आपको प्रकट होगा, तब कुंती महारानी ने सूर्यदेव के सामने प्रार्थना कर रहा है, सूर्यदेव आपके अंश के रूप में हमें पुत्र की प्राप्ति चाहिए, तब स्वयं सूर्यदेव के रूप में, सूर्यदेव के अंश के रूप में साक्षात कर्ण आए, और कर्ण जन्म के साथ ही कवच लेकर आया था, कवच और कुंडल, क्योंकि कर्ण पूर्व जन्म में, ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि पूर्व जन्म में सहस्त्र क्वची असुर था, और इस कवच को, एक कवच बचा था, इस एक कवच को मारने के लिए अर्जुन की बारी थी, और कुरुक्षेत्र के इस महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को परास्त किया और कर्ण का भी उद्धार कर दिया, और जो कवच के साथ सबको परेशान करता था इस असुर को भी परास्त कर दिया। यही नर पर्वत है, यही अर्जुन के रूप में पर्वत है, और पीछे जो आपने देखा साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में पर्वत है। एक के बाद एक अद्भुत स्थान है, यहाँ पर लक्ष्मण जी का भी सुंदर मंदिर है, और आप देख रहे हो यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगा मैया और यमुना महारानी दोनों यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान कृष्ण ने जब अपने चरण कमलों से गंगा जी का प्रागट्य किया तो यमुना महारानी की कंप्लेन हुई, उन्होंने फरियाद की कि प्रभु आपने तो मेरी बहन का उद्धार किया, पर मेरी बहन की गंगा को आपने अपने चरणों से प्रकट किया तो मेरा क्या होगा। जब यमुना महारानी ने जब अपने बहन गंगा को कहा, तब एक गंगा ने भगवान कृष्ण को बात की, भगवान विष्णु से कहा कि मेरी बहन ये कह रही है कि आपने मेरा तो उद्धार किया, भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा जिनको विष्णुपदी कहा जाता है, तो मेरा क्या होगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, अपने चरण कमल से मैंने गंगा को प्रकट किया है अर्थात गंगा को पावन किया है, पर मैं खुद स्वयं इस यमुना में विहार करूंगा, यमुना में क्रीड़ा करूंगा, इससे आपकी बहन यमुना के साथ शादी भी करूंगा। तो यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों विराजमान हैं, और ऐसे ही सुंदर स्थान पर हम दर्शन करते हैं। आइए अब हम विशेष लक्ष्मण जी के मंदिर का दर्शन करते हैं। लक्ष्मण जी, आप सब जानते हो लक्ष्मण जी अनंत शेष के अवतार है, और कहा जाता है वो गुरु तत्व है, यानी सभी गुरुओं का स्रोत लक्ष्मण जी है, अनंत शेष है, और यहाँ पर लक्ष्मण जी का अद्भुत मंदिर है। भगवान के प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा के लिए यहाँ पर लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे, आंख की पलक भी झपकी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में हनुमान जी, लक्ष्मण जी इतने प्रभावित थे, इतने आकर्षित थे, उनकी सेवा में इतने मग्न थे, तो वो चाहते थे कि मैं 24 घंटे प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करता रहूं। और यहाँ पर लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा की और 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं है। एक दिन अंतिम समय में, अंतिम साल हुआ, तब
स्वयं निंद्रा देवी उस वन में आए जिस वन में प्रभु श्री रामचंद्र, माँ सीता और लक्ष्मण जी उपस्थित थे। और जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी ने देखा कि वास्तव में लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा कर रहे थे और सफेद श्वेत वस्त्र में निंद्रा देवी के रूप में प्रकट हुई साक्षात, और एक कुटिया में प्रभु श्री राम और सीता जी निंद्रा में थे और उनका दर्शन करते करते प्रदक्षिणा करते थे। और जैसे ही ये प्रभु श्री रामचंद्र के सामने आते तो लक्ष्मण जी उनको प्रणाम करते थे और प्रणाम करते हुए उनकी प्रदक्षिणा कर रहे थे, उसी समय श्वेत वस्त्र में आरूढ़ हुई निंद्रा देवी प्रकट हुई। और जब निंद्रा देवी प्रकट हुई और निंद्रा ने कहा कि लक्ष्मण, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आपने इतने साल, 13 साल हो गए थे, आपने इतने सालों तक आँख भी बंद नहीं की, पलक भी झपकने की आपने, तो मेरी इच्छा है कि आप जो ये मेरा श्वेत, ये मेरा जो कपड़ा है ना, वो कपड़े के एक कोने को आप अपने सिर पर लगा दो, आप अपने ये जो सफ़ेद साड़ी है उनके एक वस्त्र को यानी पल्लू को आप अपने सिर पर लगा दो तो क्या होगा, तो तुरंत आपका 13 साल तक आपने जो निंद्रा नहीं ली तो आपको आराम से नींद आ जाएगी और 13 साल का जो थकान है वो आपको उतर जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी, इतनी मध्य रात्रि को आप यहाँ विचरण कर रही हो और आपको वास्तव में मेरी ही इच्छा है, मुझ पर ही कल्याण, मुझ पर कल्याण करने के लिए आई हो, इसलिए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छी बात है कि आपने मुझे कहा कि 13 साल तक आप सोए नहीं हो, तो आप बस मेरी साड़ी को, पल्लू को स्पर्श कर लो तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपके 13 साल की जो नींद है वो शांत हो जाएगी। और तब लक्ष्मण जी ने बहुत प्रश्न सुंदर बात कही कि हे माँ, हे निंद्रा देवी, आपको किसने कहा कि मुझे थकान लगी है, जिनके सामने स्वयं साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र हो और माँ सीता हो, जिनके उनका दर्शन जिनके सामने है, वो कैसे थक सकता है। माँ, आप गलतफहमी में हो, मुझे कोई थकान नहीं हुई, अन्यथा मुझे प्रसन्नता हो रही है। यही लक्ष्मण जी, यहाँ पर आपने उनका दर्शन किया, यही लक्ष्मण जी के आपने विग्रह का दर्शन किया और लक्ष्मण झूला का भी दर्शन किया। तो अनेक स्थानों की महिमा है और एक के बाद एक स्थानों को हम देखकर हम अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे की आगे जाएंगे हम अद्भुत स्थान पर, जिस स्थान का नाम है केदारनाथ। थैंक यू। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे, वांछात कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभाषादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनम संघ इस्कॉन वराछा मंदिर की ओर से 84 कोश ब्रज मंडल यात्रा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम बहुत ही ऊंचाई पर बैठे हैं, इस यात्रा के परिक्रम में हम पहुंचे हैं केदारनाथ और निकट सब पूरा अद्भुत रूप से यहाँ पर केदारनाथ जी का मंदिर स्थापित है। और जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थ धाम की यात्रा करने का निश्चय किया, तब भगवान ने, कृष्ण ने यहाँ पर ही चारों धाम का निर्माण कर दिया था। हम सब जानते हैं केदारनाथ जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और उनमें भी केदारनाथ जो अद्भुत है और देखा जाता है, सुना जाता है कि बर्फ के बीच में है। स्वयं भगवान भोलानाथ शिव जी, भागवत में कहा गया है, यथा नाम नाम तथा गंगा, देवानाम अच्युत तथा वैष्णवानाम यथा शंभु, तद भागवतम लभेत। इस संसार में जितनी भी नदियां हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ नदियां गंगा है, गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ है, और जितने भी देव हैं उनमें से अच्युत देव श्रेष्ठ हैं, और जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं उन सब में सभी शास्त्रों का सार
श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। तो कहा जाता है कि नदियों में श्रेष्ठ कौन है, देवों में श्रेष्ठ कौन है, ये अलग अलग हम श्रवण तो करते हैं, परंतु एक प्रश्न होता है, तो वास्तव में भगवान कृष्ण के अनेक भक्त हैं, उन सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? उन सभी भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वैष्णवानाम यथा शंभो, भगवान शिव। भगवान शिव भगवान कृष्ण के नाम में और कृष्ण की कथा में अत्यंत मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और इसी धाम को भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के कारण, अपने बाबा नंद बाबा और यशोदा मैया के कारण यहाँ पर विद्यमान किया है। आप जो देख रहे हो बहुत ऊंचाई पर 400-500 स्टेप के ऊपर हम एकदम ऊंचाई पर बैठे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पीछे एग्जिट पीछे देख रहे हो केदारनाथ जी का दर्शन है, और हम आपको एकदम निकट से दर्शन करवा रहे हैं। ये कितना सौभाग्य है, जो दर्शन करने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कितनी मुश्किल के साथ कहाँ बर्फ के बीच में जाना पड़ता है, पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों की कृपा के कारण और हम जैसे लोगों के कारण केदारनाथ को यहाँ स्थापित किया है। ऐसा कहा जाता है जो केदारनाथ है उनकी स्थापना पांडव काल में हुई थी, और ये केदारनाथ पंच केदार नाम से भी प्रचलित है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। और कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने अपनी जटा में से अनेक समय तक गंगा को धारण किया था। हम सब जानते हैं कि भगीरथी भक्त भगीरथ के कारण, अपने पूर्वजों की कृपा के कारण स्वयं भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा को प्रकट किया था, जहां पर हम जाकर आए गंगोत्री, और इसी स्थान पर जाकर आए, और अब यहां पर हम दादर चढ़कर आए हैं, बहुत मुश्किल के साथ यहां पर बैठे हैं, क्योंकि आप सबको घर में बैठे भगवान केदारनाथ का दर्शन हुए बहुत सुंदर ऊंचाई पर, और यहां पर पूरा पूरा ब्रज, पूरा कामा जो भी ब्रज मंडल के अंतर्गत आता है वो सब कुछ दिखता है। इतना सुंदर रमणीय दृश्य है कि देखकर वास्तव में आप सब बैठे बैठे वहां सोचोगे कि नहीं, हमें भी, हम वहां होते तो कितना अच्छा होता। पर आप सबके लिए ही, आप सबको मालूम होए, आप सबको अच्छा पड़े, इसलिए हम यहाँ पर भगवान की कथा करने के लिए आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान जो पर्वत और चट्टान के बीच में और एकदम ऊपर है। आप सब जानते हैं कि केदारनाथ जाने में हमें कितना समय लगता है, चलना पड़ता है, टट्टू पर बैठना पड़ता है, कोई चलकर करता है, कितने परिश्रम के बाद वहां पर जाना होता है, परंतु भगवान कृष्ण ने देखो यहाँ ही केदारनाथ जी का निर्माण कर लिया है। और शिव जी ने अपने अपनी जटा में गंगा को धारण किया था, जिनके जिनसे 5 नदी, मंदाकिनी नदी तथा अलग अलग स्नान तथा पूरी पूरी वाला स्थान दलदल वाला हो गया। जब भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया, जिनके कारण 5 नदी, मंदाकिनी नदी और उनके पूरे सब वह स्थान दलदल जैसा हो गया, और इनको कहा जाता है केदार। केदार कहा जाता है, जो स्थान दलदल जैसा हो जाता है उनको केदार कहा जाता है, और हम इसी केदारनाथ के स्थान पर विराजमान हैं। देखिए, ये महाभारत के समय पर पांडव पर गोहत्या, पितृहत्या के पाप निवारण हेतु व्यास देव के कहने पर इस कैलाश पर विराजमान हिमालय केदारनाथ में आए और भगवान शिव जी का ध्यान किया, और ध्यान में आकाशवाणी हुई कि आप पूजा और अर्चना करो और पूजा पाठ करो। इस स्थान में आकर अगर हम हमसे कोई अपराध हो गया है तो हम इस स्थान पर आकर भगवान शिव के चरण में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शिव भगवान शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। अगर हमसे जाने अनजाने किसी वैष्णव कोई भी अपराध हो गया है तो उनके चरणों में क्षमा मांगते हैं। यह भूमि क्षमा भूमि है, यह स्थान क्षमा का स्थान है, इसलिए यहाँ पर स्वयं पांडव ने आकर
इसी केदारनाथ पर प्रायश्चित किया था, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। और कहा जाता है कि फिर उनकी सेवा पूजा और अर्चना की, और वहां पर महिष रूपधारी शिव के अपने पांच अंग के पांच स्थानों में प्रतिष्ठित किया, जिनको पंच केदार कहा जाता है। अपने आप को पांच रूप में प्रकट किया और उनको पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ की जो विग्रह है, ये कोई किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है, ये स्वयंभू है। इनकी मूर्ति किसी ने भी निर्मित नहीं की थी। और इसी मंदिर में आप देख रहे हो कि अद्भुत रूप से भगवान शिव का दर्शन, और इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं। हालांकि वैष्णव का स्थान ऊंचा ही होता है, वैष्णव की स्थान भी ऊंचा ही होता है, और उस स्थान पर जाकर हम उनसे प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें कृपा दीजिए कि हम भी भक्ति में उच्च स्थान को प्राप्त कर सके, भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते, यही हम प्रार्थना करते हैं। और वो जो मुख्य केदारनाथ जो मंदिर है, वहाँ पर देखा जाता है उषा, अविरुद्ध और पंच पांडव, भगवान कृष्ण, पार्वती की भी वहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठित है। और सत्युग में जो उपमन्यु और जो पांडव आकर इसी स्थान पर तपस्या की थी, और जब ब्रजमंडल परिक्रमा वृंदावन में आती है तो सब भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं। बहुत उम्र हो चुकी है फिर भी वो हफ्ते हफ्ते ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करना है। आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ वो यहाँ पर आकर पूरे ब्रज का यहाँ पर दर्शन होता है। और ऐसा कहा जाता है ये ब्रज साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और इस प्रकार से सुंदर यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ जी का। और गुरुद्र नाम के एक पापी थे, जो निषाद जंगल में जाकर जीव हत्या कर रहा था और चोरी और पाप कर्म कर रहा था। एक बार शिवरात्रि के दिन गर्भवती स्त्री भोजन की खोज में वहां पर आई, और एक सरोवर के पास बिली के वृक्ष के पीछे छुप गई और वहां पर बैठ गई, और पानी, और उन्होंने सोचा था ये जो निषाद था कि जो भी यहां पर पानी पीने के लिए उनको मैं मार दूं। प्रथम रात्रि के एक हरिणी पानी पीने के लिए वहां पर आई, तो धनुष तीर चढ़ाया धनुष पर, और उनके प्रभाव से क्या हुआ, प्रभाव से जो पानी और बिली पत्र वहां पर शिव जी के शिवलिंग पर गिरे। और कहा जाता है कि हरिणी ने अपने थोड़े समय में सब व्यवस्था कर दी, और कहा ए हिरण, जैसे हमने बहुलावन में कथा को सुना वैसे हिरण ने इनको कहा कि हे निषादराज, कृपा करके हे शिकारी, मेरे संतान है, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा, मैं यहां पर आऊंगी। और ये हिरण ने कहकर कहा कि मेरे तीन लड़के हैं, बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था करके मैं पुनः वापिस आऊंगी। और निषाद ने इस हिरण की बात को सुनकर प्रसन्नता प्राप्त हुई और कहा ठीक है, आप जाओ और तुरंत वापिस आओ। और वहां पर एक रात्रि तक जागरण किया और तीन प्रहर तक पत्र और पानी को, बिल्ली को और पानी को, बिल्ली पत्र को और पानी को चढ़ाया। और कहा गया था कि हरिणी पुत्र और सब के सब परिवार के साथ वहां पर आए, और सब हिरण और हिरण के परिवार उसी स्थान पर आए और एक रात्रि तक वहां पर जागरण किया, वहां पर ही रहे और तीन प्रहर रहे और सब कुछ आ गए और कहा कि हैं शिकारी जी, हमने अपने वचन पर, मैं अपने संतानों को भी साथ में लाई हूं क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकते। इसलिए शिकारी ने जब देखा कि मैं क्या करूं उनका, फिर शिकारी ने अपना तीर चढ़ाया और उसी समय चौथी पूजा हो गई और हरिणी के पुत्र आने के लिए कहा। और निषाद के जैसे ही चतुर्थ पूजा खत्म हो गई, तुरंत ही ये निषाद के जितने भी पाप थे ये सभी पाप नष्ट हो गए।
और नष्ट होकर ही हरण के परिवार को मुक्ति हो गई और जो निषाद था उनको प्रसन्नता हो गई और शिव जी के भक्त बन गए। हरि बोल। और भोलेनाथ की। और निषाद के आचरण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनको वरदान मांगने के लिए कहा कि आप वरदान मांगिए। और निषाद ने शिव जी को कहा कि मैं यहीं रहूं और आपकी सेवा करूं। और अबूर्दाचल पर्वत और व्याधेश्वर नाम से ये प्रचलित है और खूब सुंदर रूप से फिर शिव जी की पूजा करके वो भगवान के शिव जी के अत्यंत प्रिय हो गए। और इस प्रकार से भगवान शिव वास्तव में दयालु है, इसलिए हमारे गुजराती में भजन गाते ना, ए शंभो शरणे पड़ी मागु घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करो शिव दर्शन आपो। शिव जी वास्तव में दयालु है, इतने इतने भगवान का भजन करने वाले पर शिव जी बहुत प्रसन्न होते, संतुष्ट होते। जो कृष्ण और राम का नाम लेता है उन पर भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। शिव जी को अपने नाम से ज्यादा अपने आराध्य देव राम और कृष्ण का नाम अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव जी भी कहते कि आराधनाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतर देवी त्वदीया नाम समर्चितम। सभी आराधनों में से सबसे श्रेष्ठ आराधना सेवा पूजा अगर किसी के है तो है भगवान कृष्ण की, सबसे श्रेष्ठ आराधना। और उससे भी बढ़कर कहा है, उससे भी बढ़कर श्रेष्ठ आराधना किसके है, त्वदीया नाम समर्चितम। उससे भी श्रेष्ठ है आराधना कहा जाता है उनके भक्तों की, जो कृष्ण का भजन करता है, जो कृष्ण का भक्त है। इसलिए वृंदावन में गोवर्धन में जो चकलेश्वर महादेव है वहाँ पर सनातन गोस्वामी जो भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, महामंत्र का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, ये शिवजी प्रतिदिन सनातन गोस्वामी के मुख से निकले हुए इस महामंत्र को सुनते थे, क्योंकि महामंत्र बहुत प्रिय है भगवान शिव को। इसलिए शिवजी ने अपनी धारिया अपनी पत्नी उमा को पार्वती को कहा कि उमा कहू अनुभव में अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में अगर सत कोई चीज है तो है भगवान का नाम और ये जगत मिथ्या है। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, महामंत्र का उच्चारण करता है, कृष्ण गोविंद आदि भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो वास्तव में शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे उनका उदाहरण आता है शास्त्र में, हमारे ही गुजरात के कौन, नरसिंह मेहता। हम सब जानते हैं कि नरसिंह मेहता शिव जी के भक्त थे और सुंदर केदार राग में वो राग का उच्चारण करते थे और इतना भाव से गाते थे, तो स्वयं एक बार भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा कि मांगे, मैं आपकी इस उपासना प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। क्योंकि शिव जी बहुत भोले हैं, बहुत भोले, इसलिए कोई भी उनको भोलेपन का फायदा उठा लेता है। शिव जी को भगवान ने सेवा दी है कि जो भी आपके पास आए उनको जो भी मांगे वो दे दो। तो प्रश्न होता है कि शिव जी क्यों ऐसा करते हैं, अन्य देवी देवता उनके पास जाते हैं तो समय निकालते हैं, तो शिव जी क्यों इतना तुरंत ही सब कुछ दे देते हैं। उनका कारण बहुत सुंदर है, क्योंकि शिव जी जो है वो एक अद्भुत भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके पास जो भी आते हैं तो पूरा व्यस्त रहते हैं भगवान के नाम में और इतना मस्त रहते हैं, तो जो भगवान का नाम लेते हैं तो उनमें कोई उनको परेशान करने के लिए आता और कहता है प्रभु प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु जी मुझे 2 BHK दे दो, प्रभु जी मेरी शादी नहीं हो रही है, प्रभु जी मेरे बच्चे नहीं हो रहे, ऐसे भगवान शिव की आराधना करके उनके पास सब कुछ मांगते हैं। तो शिव जी इतने व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं भगवान के नाम में, तो क्या करते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो तुरंत ही ले लो उठाओ भागो यहाँ से, क्योंकि भगवान के नाम में कोई रुकावट ना आए, भगवान के नाम में कोई क्षति ना पहुंचे और भगवान का नाम निरंतर भगवान शिव लेते रहे। इसलिए भगवान शिव उनके पास आने वाले सबको जो भी मांगे वो दे देते हैं। परंतु शिव जी तब प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान शिव के पास
भगवान केदारनाथ के पास मांगे कि हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। और जब राम और कृष्ण की भक्ति हम मांगते हैं तो वास्तव में अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण के परम भक्त भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हरी हरी बोल। और यही प्रसन्नता शिव जी के है। तो अगर हमें शिव जी को प्रसन्न करना है तो हमें राम और कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत भक्त शिव जी के पास कुछ ना कुछ अपने मनोरथ अपनी भौतिक इच्छा को मांगते हैं, परंतु अगर मांगना है ना तो शिव जी के पास जो सबसे बड़ा धन है ना वो मांग लो। और शिव जी के पास सबसे बड़ा धन क्या है? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम अभितुल्यम राम नाम वरायने। और जो सबसे बड़ा धन है वो अपने पास छिपा कर रखते हैं। इसलिए शिव जी के पास सबसे बड़ा धन है वो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भोलेनाथ की शरण में बैठे हैं। आज इस भोलेनाथ के पास यही प्रार्थना करें। यह भोलेनाथ वर्तमान समय में पूरा जगत पूरा विश्व इस COVID-19 इस महामारी से इस कोरोना की महामारी से ग्रस्त है। तो इस स्थान पर बैठकर हम भगवान शिव को यही प्रार्थना करें कि भोलेनाथ जल्दी से जल्दी आप इस कोरोना को नष्ट करो और नष्ट करके आप तुरंत ही इन सभी जीवों को भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करो। ऐसी ही प्रार्थना हम कर सकते हैं क्योंकि भगवान शिव तुरंत सुनते हैं बात। हम इतने शुद्ध नहीं हैं पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम सब के वती भगवान शिव को यही प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ आप कृपा करके अपनी कृपा बरसाएं क्योंकि आपके शरण में जो भी आता है उनकी इच्छा को आप पूर्ण करते हो। तो संसार से बहुत लोग व्यस्त ग्रस्त हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं, उनको आप अपना आशीर्वाद दीजिए और रोग को मुक्त कीजिए। और जो इस रोग से ग्रस्त होकर जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, हे भगवान शिव आपका जो धाम है काशी इसलिए प्रचलित है, इसलिए काशी का मरण प्रचलित है क्योंकि वहां पर जो भी कोई मरता है तो उनके कान में आप जाकर राम का नाम लेते हो, उनके कान में जाकर राम बोलते हो। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यम यम व्यापी स्मरण भावम त्वजन तंते कलेवरम। अंत समय में हम जो भी स्मरण करते हैं उससे निश्चित हमें उस धाम की प्राप्ति होती है। तो जब स्वयं इतने शुद्ध वैष्णव भक्त भगवान शिव कान में राम का नाम लेते हैं तो निश्चित उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हम ऐसे ही दयालु कपूर गौरम करुणा अवतारम, इस करुणा के सागर जो है भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो बहुत भोले हैं। उनके साथ छल कपट करने वाले जो होते उन पर भी वो कृपा करते हैं। इसलिए हम सुनते हैं कि एक चोर शिव जी के वहां पर मंदिर में चोरी करने के लिए गया, और चोरी करने के लिए गया तो आप देख रहे हो इस बेल को। तो एक चोर आया यहाँ पर और चोर आकर देखा कि कुछ नहीं मिल रहा था तो उन्हें सोचा कि चलो एक घंटी को ले लेता हूँ। तो एक घंटी को लेने के लिए बीच में बहुत छोटा था चोर, उनकी हाइट इतनी नहीं थी, तो क्या करे वो उन्होंने फिर बहुत सुंदर रूप से एक कार्य किया। नीचे एक पत्थर पड़ा था, पत्थर पर चढ़कर ये लोहे को ले लिया क्योंकि कुछ मिला नहीं, बोले लोहे का लोखंड का भाव तो ज्यादा है ये लेकर हम बेच देंगे। तो जैसे ही ये चोर ने इस घंटी को लिया इस बेल को लिया और जैसे ही लिया क्योंकि उनकी हाइट छोटी थी इसलिए पत्थर पर चढ़कर इनको लिया, और जैसे लिया तो तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर उनके पीछे दौड़ने लगे। और चोर ने सोचा कि अरे रे 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 बाप रे बाप मेरी चोरी पकड़ी गई। और निश्चित भगवान शिव तो तांडव करके पूरे सृष्टि को प्रलय करते हैं, मेरा क्या होगा। और दौड़ने लगे और शिव जी पीछे। ये चोर डर से और भय से दौड़ रहा था परंतु देखा कि भगवान शिव पीछे और चोर आगे। रुको रुको शिव जी बोल रहे थे पर ये तो भाग ही रहा था। और जब भाग रहा था और अचानक भगवान शिव ने उनको रुका, रुक जाओ, और तुरंत हाथ जोड़कर रोने लगा कि आप हमें क्षमा कीजिए, मुझे बहुत भूल हो गई है भोलेनाथ, हैं शिव जी बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे कि हमने आपके दर्शन न करके यहाँ पर चोरी की है, तो कृपा करके हमें क्षमा कीजिए। पर भगवान शिव भगवान केदारनाथ
इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे कि बोले मैं आज आप पर बहुत प्रसन्न हो गया हूं, और इतना प्रसन्न हो गया हूं कि आज आप जो भी मांगो मैं आपको दे दूंगा, आपको जो भी चाहे वो मांगो हम आपको दे देंगे। तब बोले इतनी प्रसन्नता क्यों आप कर रहे हो, आप इतना, मैंने इतना गुनाह किया, मैंने इतना अपराध किया और आप हमें गिफ्ट दे रहे हो, भेंट दे रहे हो, क्यों? तब भगवान शिव इतने बोले थे, उन्होंने कहा कि लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे पर बिली पत्र चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पर तू कितना अच्छा है कि तू खुद भी खुद मुझ पर चढ़ गया। तो जो पत्थर था वो पत्थर नहीं था, पर स्वयं भगवान की शिवलिंग थी, और शिवलिंग पर चढ़कर इस घंटी को उन्होंने चुरा लिया। तो भगवान इतने भोले हैं, भगवान शिव जी इतने भोले हैं कि कपट से भी अगर कोई व्यक्ति ले लेता है तो भी उनके अंदर गुण देखकर उन पर कृपा करते हैं। तो शिव जी के पास हमें गुण सीखना चाहिए कि सामने वाले के अंदर जितना भी दुर्गुण है वो दुर्गुण को न देखकर उनका अच्छा गुण कौन सा है वो ही हमें स्वीकारना चाहिए। और शिव जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि जब हम कोई वैष्णव को देखते, उनके अंदर त्रुटियां देखते, तो हमारा स्वभाविक होता है कि हम किसी को क्या करें, त्रुटियां ही देखना है, दुर्गुण देखना है कि ऐसा है, ये वैसा है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, पर क्यों हम कभी भी उनके गुण नहीं देखते? संतों का कहना है कि हम इसलिए उनके अंदर हमें गुण नहीं दिखाई देते क्योंकि हमारे अंदर भी दुर्गुण है। हमारे अंदर जो चीज होगी वही बाहर दिखाई देगी। हमारे अंदर अगर फेफड़े खराब हो गए हैं तो एक्सरे में ऐसे ही आएगा। वैसे हमारे अंदर दुर्गुण है तो संसार में भी दुर्गुण दिखाई देंगे और व्यक्ति के अंदर भी दुर्गुण दिखाई देंगे। पर भगवान शिव और भोलेनाथ के पास हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी है कि हम हर एक व्यक्ति के अंदर दुर्गुण को न देकर सद्गुण को देखें। और जब हम ऐसा हमारी मनोवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति, हमारी मनस्थिति जब ऐसी हो जाएगी कि हम अन्य लोगों पर दुर्गुण न देकर उनके गुण देखेंगे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान द्वारकाधीश हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को प्रसन्न करना है, शिव जी को प्रसन्न करना है, तो एक हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भजन करना है, और दूसरा हमें हमेशा दूसरे वैष्णव के प्रति सद्गुण को ही देखना है, दुर्गुण को नहीं देखना है। तो यह ब्रज मंडल का इस सुंदर डीक के अंतर्गत आता है यह स्थान 84 कोस ब्रज मंडल में, जिनको यहाँ पर केदारनाथ कहा जाता है। तो इस पावन पवित्र स्थान पर बैठकर हम भगवान शिव जी की कथा को सुन रहे थे। कितना सौभाग्य है, सोचो लॉकडाउन में भी आप घर पे बैठकर भगवान शिव का दर्शन कर रहे हो। तो हमारा सौभाग्य है कि इसे ही केदारनाथ भगवान शिव का दर्शन करके हम अपने जीवन को पवित्र करें। और हर साल ब्रज मंडल की परिक्रमा भी यहाँ पर आती है, हजारों लाखों लोग यहाँ पर आकर श्रद्धा से केदारनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और अपने मनोवांछित इच्छा को प्रकट करते हैं और भगवान शिव उनकी सभी इच्छा को पूर्ण करते हैं। परंतु हाँ, शिव जी को क्या पसंद है? अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव के पास राम और कृष्ण की भक्ति मांगे तो भगवान शिव को अत्यंत पसंद है। तो हम भगवान के पास यही मांगे, उनके चरणों में यही प्रार्थना करें भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के चरणों में कि हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करें और वैष्णव की सेवा प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, जय श्री राधे। हरे कृष्ण, आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त अनुकूल हैं अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलो कलाभवमानं परामृष्टमत्यं तो
पुत्र गोप्या यशोदा बियो लोक लाघव मानम राम कृष्ण पत्यंत तो दुख गोप्या रुदंत मोहर नेत्रम युग्मं रुजं तम परांभोज युग में सातक नेत्रम मुहु श्वास कंपत्री रेखांत कंता पिता ग्रेव दामो दरम भक्ति वद्यम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम क्षलीलानन्दकुण्डे स्वदोषं विमञ्जन्तं मज्ञापयन्तम् इति दश्वलीलाभिरानन्दकुण्डे त्वदीये सीताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृति विन्दे मदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चानं वृणेऽहं वरिषादपिह इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्यामि रसं किमि इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्यामि रसं किमि हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या मुहुं शुम्भितं बिम्बरकाम्भरं मे मनशा विरास्तामलं लक्षलाभे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनशा विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रबोधोकजालविमग्नम् दुख जलाभिमग्ना त्रि
कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बदानो गृहाणेश मामग्न मे दक्षि दश हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा जो बे वयमोचित भक्ति भजो कृत तथा प्रेम भक्ति सकाम प्रयच नमो क्षेत्रो मे सीतामोदरे प्रेम भक्ति स्वताम्य प्रयच नमो क्षेत्रो मे सीतामोदरे नमस्ते सुदाम्ये सुरदीप्ति धाम्ये त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नंद लीलाय नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे बोल हरि 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 बोल